किसान मोर्चे दे विच हाजर हुई समूह साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां उस जालम सरकार दे खिलाफ बड़े लंबे समय तो संघर्ष लड़ते आ रहे हैं, जिन्होंने जिन्हों तुहानू अज 75 दिन के करीब हो गए, पर इस सरकार ने किसी के दर्द नू नहीं जान दी। इन्हों जालमां ने इत्थे लखां लोकां नू सड़कां दे उत्ते बिठाया होया है, पर जिहड़े कानून ये सानू काले कानून साढ़े उत्ते लागू करना चाहुंदा है, ते असीं कहने आ वी नहीं लैणे। जे कोई चीज़ आपां देण जाइए किसी नू, वो घर वाला कहे भी मैं नहीं लैणी, ते आपां धक्के नाल तां नहीं दिंदे, फिर आपां मोड़ लैंदे आ। अज जे असीं किसानां ने इस इंडिया दा, भारत दे विच समूह किसानां ने इसका विरोध किया है, ते अज इहनूं मोदी नूं अपने काले कानून वापस लै लैने चाहीदे ने। इह देश दा नुकसान कर रिहा है, जिथे किसानां दा नुकसान हुंदा है उत्थे लोकां दा, जिहड़ा लोकां दा नुकसान भी सरकार कर रही है, क्योंकि भावें सरकार राहीं पैसा खर्चिया जावे, वह पैसा भी साडा है। तो इसलिए इन्हां नूं जो कानून साडे ते लागू करना चाहुंदे ने, इन्हां नूं तुरंत वापस लै लेना चाहीदा है। अज जिहड़ा इन्हां दा मंत्री वो किहो जे बयान दिंदा है, तुसीं सारिआं ने पढ़िया होगा, जिहड़ा कहिंदा है वी कल्ले पंजाब दा मोर्चा है, कि अज दुनिया आल वर्ल्ड दे विच पता है भी किहदा मोर्चा है। ये भारत दे किसान ते मजदूर दा मोर्चा है, यह छोटे दुकानदार दा मोर्चा है, यह समूह संगत दा मोर्चा है, समूह जन बन चुके है। मोदी मैं इतों तेनों वार्निंग दिना, जे तो यह काले कानून वापस ना लए, तेनों एक दिन इस दा जिहड़ा माजवा बड़ा बड़ा उतारना पऊगा, तेनों देश की गद्दी तो ये लोग लाउणगे, लोगों की लहर है, लोग तेनों एक पासे कर देंगे। इसलिए यहो जे जड़े जाबर जालम हुकूमत आईया हिंदुस्तान दे विच बहुत, पर उन्होंने अपने समय समय ना तसद्दद भी लोगों ते कीता, पर उन्हों दा हसर जड़ा होया वो तुसी सारे जानते हो। आपां इसलिए जड़ा किसान मजदूर ते समूह जनता दा मोर्चा है, इस दे भी साथ देना है, क्योंकि हर एक पिंड दे विचों इस तरह की ब्यौतबंदी करो, ये ना हो भी तुसी अज 20 बंदे आ गए फिर महीना आई ना। इत्थे जिहड़े बंदे ने भावें 10-15 पिंड दे हिसाब दे नाल इस दे विच हाजर रहने चाहीदे ने, वह सारिआं पिंडां ने फैसले भी कर ले ने, जे एक जथा आऊगा तो दूजा इत्थों जाऊगा, उन्ना चिर वह जिहड़ा पहला है हाजरी देऊगा। इस तरह मैं सारिआं नूं बेनती करदा भी इस मोर्चा जिहड़ा है, ये साडा संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों लाया होया मोर्चा, जो लीडर कहिंदे ने उस दे मुताबक चलना है, उहदा दी गल तो आपां ने बाहर नहीं जाना। इसलिए पूरी तरह नाल तनदेही नाल अपना जिहड़ा है इस नूं सहयोग देना है, हर एक तरह के पिंडां दे विचों। अज ये जिहड़ा मोर्चा है इस दे विच बाबे तो लेके पोते तक बैठे ने, यह मोदी नूं समझ लेना चाहिए भी ये मोर्चे का मतलब की है। साडे भविख की गल है, साडे बच्चियां की गल है, तो आउण वालियां नसलां सानूं तां ही याद करनगियां जे असीं अज मोर्चे नूं जित के जावांगे। मैं जे किसी के खिलाफ कोई लफ्ज़ निकलिया होवे उसकी माफ़ी मंगदा, क्योंकि समा थोड़ा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद जी। हूँ डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा, इहदे तो बाद माधव राव जोगी वो भी तैयार रहन। ते एक होर जरूरी सूचना यह है कि इहदे तो बाद एक नाटक
किसानी घोल के इस मौजूदा दौर के उपर एक इनकलाबी नाटक खेलिया जा खेडिया जाएगा देखने तो मिलेगा। तो सारियां नूं बेनती है भी वह पंडाल के बिच ही बैठे रहन ते होर भी ट्रालियां दे विचों बैठन ताकि ये नाटक दे नाल जिहड़ी उह सांझ पाई जा सके। हुण सतनाम सिंह अजनाला जी। मंच ते बैठे आगू साहिबान ते तकरीबन तिना महीनों तो बैठे मेरे किसान भराओ मेरियो भैनों गज के नारा लाओ संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। अजे तो मेरी आवाज आन रही है संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। लोक विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। फाशीवाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। हुण मैं थोड़ा जा जोर लाना वा कि तोमर ने कल पार्लीमेंट ज राज्यसभा च बहुत झूठ ते कुफर बोलिया। मैं गां गल करूँगा उन्हूं मैं कहना कुफर तोलन वाला तोमर मुर्दाबाद तकड़े हो गए को झूठ बोलन वाला तोमर मुर्दाबाद। झूठ बोलन वाला खेतीबाड़ी मंत्री तोमर मुर्दाबाद। साथियो तुहानू पता भी 29 तरीक का पिछले महीने का पार्लीमेंट का इजलास चल रहा। वो इजलास बड़े सालों के विच साल दर साल हुंदा रहिंदा। इनू बजट का समागम कहा जाता। बजट भी ये लेखा जोखा होना वो तो पहला सरदर उद्दा हुंदा। तो इन्हें वैसे झूठ मार के जी करोना महामारी आ भज गया किसानों का विरोध दे विच। पर कल का पार्लीमेंट दे तोमर ये कह रहा भी अंदोलन सिर्फ पंजाब का ये पंजाब तो बाहर नहीं गा। असी उन्हूं दसना चाहते हाँ भी अज सारे भारत दे विच 736 जिले 29 सूबे कन्याकुमारी तो लैके जम्मू कश्मीर ते पंजाब तो लैके सामदियां त्रिपुरा तक लोग ये शामिल हो रहे हैं। आ मैंने हुणे अमृतसर तो टैलीफोन साढ़े साथी का आया और फाजिलका तो आया होर भी बड़िया थावां तो आए आ खबरां पहुँच रही भी 736 जिलों के 20,000 थावां दे उत्ते हजारां लोग जिहड़े आ सड़कां जाम करके बैठे आ। असीं इह तोमर नूं दसना चाहुंदे आ भी अज जिहड़े 6-7 करोड़ लोग 6-7 करोड़ किसान तो है ही आ किसानां दे हितैषी साथी मेरा बोल के गया ये मोर्चा ये सिर्फ इत्थे नहीं सड़कां रोकियां अज संसार दे बहुत सारे देशां ने कईआं दे रात पई आ क्योंकि साडी धरती विच सूरज ते चढ़िया रहिंदा किते धुप किते छां किते रात किते दिन जिन्ना जिन्ना देशों च देने वो साडे ना एक मुठता जदार है। सो इस करके तोमर जिहड़ा दूसरा झूठ मार रहा वो मैं तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा। वो कह रहा मैं तो कहन डिया भी ये कानून है ही बहुत चंगे मैनू अजे तक मिलिया ही नहीं सारी दुनिया दे विच किसानां दे विच भी जिहड़ा इहदे ते उंगल रख सके। मेरा ख्याल भी इदों वध बीबीओ को झूठ दुनिया ते मार नहीं सकता। ये कानून 192 मुल्कां दे सफीर बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते तुसीं इत्थे 3 महीनों तो बैठे जे 11 मीटिंगां साडियां उहदे नाल सरकार नाल हो गईआं अजे आंदा मैनूं दस्सिया ही नहीं भी इहदे च नुक्स की है। यानी एडा मकार बंदा इन्ना झूठा बंदा संसार च अजे तक नहीं पैदा होया। ये तो वड्डियां वड्डियां झूठ मारन वालियां हिटलर नूं ग्लोबल नूं उन्हां नूं भी मात पा गया। सो इस करके
ये झूठ का पर्दा अज फाश हो जाना सवेरे अखबारों के पढ़ लियो। ये कहना यह चाहते हाँ कि ये जेडे तीन कानून आ इहदी व्याख्या भावें रोज़ हो रही आ पर मैनू अज उहनू जवाब देना पैना। पहला कानून आ जरूरी वस्तां जिहड़ियां वो जिंदगी दियां 33-34 वस्तां ने जिहदे च खाण पीण सब्जी कपड़ा विद्या बड़ा कुछ आउंदा वो लोकां नू सस्तियां मिलनियां चाहीदियां। इहदा इक कानून बणिया होया वो कानून के तहत कोई भी वध कीमत नहीं ला सकता। बीबे भैणों मेरे वल ध्यान करो उहदे च वध कीमत नहीं ला सकता उन्हां वस्तां नू बहुता जमा नहीं कर सकता उहदी को काल बाजारी नहीं कर सकता। ये कानून आ वो कानून इन्हें तोड़ता मैनू दसो भी एक कानून माड़े मोटे नुक्स हो सकते आ वो कानून ही तोड़ता खुला देती भी कोई जिन्ने मर्जी भा ते चीज वेच ले मैनू दसो ये कुड़ियों महंगाई वधेगी कि नहीं वधेगी ये ब्लैक वधेगा कि नहीं वधेगा ये गरीब मरेगा कि नहीं मरेगा ये रुजगार लोगों का छुटेगा कि नहीं छुटेगा असं उन्होंने जवाब पूछना चाहते हैं। पहला कानून मेरा ख्याल दुनिया से नहीं एडा होया लोगों की मूँह की बुरकी वो इन्हें खोण वाल गया वो कानून की कहता वा वो कानून कहता वा भी कोई बंदा एक हद तो वद खंड नहीं कट्ठी कर सकता हद तो वद चौल नहीं कट्ठे कर सकता हद तो वध कोई होर चीज़ कट्ठी करके उन्हों ब्लैक नहीं कर सकता। इन्हें खुला दानी बानी नू इत्थे मोगे बहुत वड्डा एक इत्थे गोदाम बनाया अदानी का जिदे विच सारे पंजाब दियां जिहियां वस्तां कट्ठियां कीतियां जा सकदियां भावे उन्हां लई कानून बनाया वो कानून बनाउण तो पहला ही उन्हों लागू करता। ये तो पिछले साल का लागू किया इन्हें उन्होंने एक बोरी कणक की रखन लई एक महीना बीबी जी 90-90 रुपये मैं ना भी इन्ना चोर चक्का उन्होंने वो पैसे लै रहे क्योंकि इन्होंने इतने कणक जमा की इन्होंने इतने चौल जमा किए बड़ी समझण वाली गल अदानिया बदानिया के जेडे खाली पै गोदाम आ उहदे विच उह कहिंदे साडियां इन्नियां बोरियां इन्ना लग सकदा उहदे लिहाज दे नाल साडे फंड नूं इह डा रहा उहनां नूं उह ब्लैक दे पैसे जिहड़ा वा मोदी दे रहा। इसे करके कानून जिहड़े रद्द नहीं हो रहे। दूसरा कानून आ वणज ते वपार दा किसान वणज वपार नहीं करदा बड़े साथी दस के आ मैं ते सिर्फ अज जवाब देना चाहुंदा भी दूजा कानून जिहड़ा वा वो वैसे बना ही नहीं सकता सारे कानून सूबे बनाने होंगे आ पहला तो इतने झूठ मारदा जे वह बना लिया वणज व्यापार किसान तो सिर्फ आन के फसल में बेचता वा उस तो बाद जो चौल बनते कोई गांह बेचता वो वणज व्यापार आ किसान व्यापार ही नहीं गा। सो इस करके उस कानून के अज भी बड़ा आया मंडी खोलती आ जिथे मर्जी लै जाओ एक नहीं बादल ने भी झूठ मारिया से एडा झूठ मारिया अमृतसर आया बार्डर के उत्ते कोई आंदा गोभी ला दो आलू ला दो कहिंदे सुट कित्थे सुट्टांगे आंदा मैं ओ हवाई अड्डा बनाता राजस्थान से उत्थे खड़िया करोगे उहदे चुड़ के तुहाडे अरब मुल्कां च गोभी जाया करूगी। पता नहीं वह किहड़े अरब मुल्कां च सानू ते अजे तक बीबीओ जहाज नहीं लभा हो। सो इस करके एडा झूठ मारन रहे आ वो जिहड़ा दूसरा कानून आ वैसे ही साडा गल कुटता गरीब को रोटी नहीं रहनी किसान दे कोल ते पहला ही पीपे खाली होए आ ये दूसरा कानून आ मंडियां साडे कोल खो लैणियां। मैं रोज ही कहिंदा वो लड़ाई ते मंडी दी आ मंडी दी पहली आ पढ़दे असीं भी पढ़दे रहे हां पहली संसार जंग 1914 तों लैके 18 तक लगी वो भी मंडियां खोण दी गल सी उदलों भी जर्मनी इटली जापान उहदे नाल कुछ होर मुल्क सी वो दूजिया मुल्कां दे राज करके उन्हां दीआं मंडियां खो के अपनियां चीज़ां वेचणियां उन्हां दे पदार्थ लुट के अपने देशां च करना मंडी दी लड़ाई सी। दूसरी जंग होई 6 साल 38 तों लैके 45 तक 44 तक
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਣ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਚੜ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇੱਕ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹ ਮੋਦੀ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੜਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਦੀ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਅਤੇ ਢਹਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਦਤਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੀ ਅੱਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਟਾਰੀ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਫੌਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੌਜ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੀਪੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਮੈਂਟ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲੇ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇਹ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। 1980 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਬੀਬੀਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? 4 ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਡਿਫੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਠਲੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ 4 ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਣੀ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਕ ਲੱਖ ਇਹ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 18% ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, GST, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,14,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? 73,000 ਰੁਪਏ। ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਮਾ ਸੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਸਮਾ ਸੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੇਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਅਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੱਸੀ, ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਆ ਚਟਾਲਿਆਂ ਛਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ 17 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਆਹ ਵਾ ਗੱਲ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਲਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸਕਦਾ,
विसाखी इत्थे मना सकदे असीं, पर तुसीं दुनिया नूं राह विखाता। 217 मुलक वह आंदे लड़ाई शुरू कि तरह कीती इहने, असीं ते कईआं सालां दे लगे सां। जिद्दण ये 4 जून नूं पार्लीमेंट दे विच लिआउण लई ये बिल्लां ते दस्तखत कीते वजीरां ने ही, तो उदण ही लड़ाई करती, उदण ही पुतला फूकता मोदी का। सो इस करके लड़ाई तो असीं लगे हुए हाँ। पंजाब दे लोकां ने जिहड़ी लड़ाई शुरू कीती आ, एवें नहीं तुसीं इत्थे बैठे, ताडी विरथा ना जावे जन की अरदास। आपां रोज़ ही करदे हाँ, ये लड़ाई ने दुनिया च एक तब्दीली लियाउणी आ। किहड़ी तब्दीली लियाउणी आ? राजनीतिक तब्दीली भी लियाउणी आ, आर्थिक तब्दीली लियाउणी आ, विचारां दी तब्दीली लियाउणी आ, नीतियां दी तब्दीली लियाउणी आ। मुड़ के दोबारा जिहड़ा नवें सिरे संसार दी उसारी दा असीं मुढ़ बनता लड़ाई दा, ये लड़ाई लाजमी तौर पर जीती होगी। यो तुहानूं बेनती करके आ गया लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।